ज़ोहर की नमाज के बाद ये सारा हरम पाक का पीछे सीन है, उसके पीछे ये एक जगह है जहाँ पे अल बैक के नाम से इनका फूड मिलता है, और वहाँ जा रहा हूँ लंच के लिए अल बैक में। ये मैं इस तरफ आ गया हूँ, ये पीछे है एरिया, और अल बैक के काफ़ी सारे ये लगे हुए हैं पोस्टर्स, बहुत ही मशहूर और मरूफ रेस्टोरेंट है अल बैक के नाम से। हैव अ फ्राइड चिकन आई थिंक और समथिंग अदर, विल सी व्हाट दे हैव इट एंड विल ट्राई। अच्छे और ये कोई पहाड़ी टाइप, और ये किस तरह का रास्ता जैसे ये है, यहाँ से ये काफ़ी सारी है, बहुत बड़े खूबसूरत डाउन टाउन टाइप बना हुआ है। आ चुका हूँ अब, ये देखें काफ़ी सारा जो है मेरे पीछे रश, ये फूड कोर्ट टाइप ही है, और अल बैक रेस्टोरेंट जो है वो आप मेरे ख्याल में आगे देखना पड़ेगा कहाँ है, वो आगे है कुछ तो वहाँ चलते हैं। हाँ सो एटलीस्ट मैंने देख लिया ये है अल बैक, तो चलते हैं वहाँ पे और करते हैं लंच, एक अच्छा सा फूड सकते हैं क्या होता है। वैसे तो काफ़ी सारे फूड हैं, इन द एंड दिस इज द फूड आई गॉट इट एंड वन शवारमा आल्सो देयर दैट आई ईट ऑलरेडी, बट नो प्लेस फॉर सिटिंग बिकॉज ऑल आर फुल, सो आई एम कम हियर एंड ईट आउटसाइड। Guys, I'm eating ice cream after finish sir prayer. What is the name from Karam Pesitar? My good friend. I will just enjoy this ice cream, mango and chocolate flavor. I miss a lot. वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये दूसरा उम्रा मैं कर चुका हूँ, बाकी सब खैरियत है, अभी नमाज पढ़ी है सर की, आ जाओ आप लोग दिखा लो। जुड़े लिए अभी और सुनाओ सब लोग ठीक ठाक क्या हो रहा है?